हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट जिसमें एड ऑफ ऑड नंबर्स के टेस्ट 7 को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम टोटल 35 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्वेश्चन करने कैसे ये आप सभी को पता है, एक साथ दो वैल्यू को ऐड करना है। जैसे डायरेक्ट ऐड कर दिए 10, 12, उसके बाद में डायरेक्ट ऐड कर दिए 18, तो ऐसे ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए 13 से 14 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। रेडी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका राइट आंसर हो जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 24। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। राइट आंसर है 37। तो ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो, अगला जो कल वीडियो आएगा उसमें मैं लेके आऊंगा आपके पास में 80 तक के वैल्यू। अभी जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 40, 34, 38, 50 तक के वैल्यू है। कल वाला जो वीडियो आएगा वो इम्पोर्टेंट वीडियो है, सुबह का वीडियो। तो कल वाली वीडियो के अंदर 80 तक की वैल्यू लेके आऊंगा। और अगर आपने उसकी 5 से 7 बार प्रैक्टिस कर ली और वो भी कितने में 6 मिनट के अंदर उसको सोल्व करने लग गए ना, तो आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं अपना ये लेक्चर।